हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस ऑनलाइन क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। कोरोना की इस महामारी काल में छात्रगण, वर्ष 2020 के बहुत ही दुर्भाग्य काल में आप सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य आपका सौभाग्य बनेगा, इस चीज़ का भी मैं दावा करता हूँ। आज बिल्कुल नए चैप्टर के साथ आपके बीच में मुखातिब हूँ छात्रगण, और एक नए चैप्टर अव्यू, जिसे एसएससी की आत्मा कहा जाता है ये सब चैप्टर को, और एसएससी रेलवे बैंकिंग नहीं, एसएससी रेलवे कैट मैट जैट, और साथ ही साथ आप सीसैट की तैयारी कर रहे होंगे अर्थात आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कहानी है छात्रगण पूरी तरह से मैट्रिक्स की, अव्यू की क्या कहानी है, कैसे ये चलता है, इसकी जानकारी लेंगे। एग्जैक्टली आपने जो कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ा है बिल्कुल उसी प्रकार से इसकी भी कहानी है। कोडिंग डिकोडिंग के रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी शब्द के लिए कुछ निरूपण प्रस्तुत करते हैं, या कुछ निरूपण के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत करते हैं, कुछ अंक प्रस्तुत करते हैं, तो उसी के आधार पर मैट्रिक्स में भी कहानी कहना है। बेसिकली मैट्रिक्स जो होता है एक टैबुलर बॉक्स होगा, एकदम सीधे आपको सैंपट पे लेके चल रहे हैं, बोर्ड पे मुखातिब कर रहे हैं, बोर्ड की ओर आप फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने चैप्टर का नाम लिखा है मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अव्यू। ये दो प्रकार का यहाँ एक टेबल हमने बनाया है। एकदम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, टेबल नंबर एक, टेबल नंबर दो। इस टेबल को टेबल ना करके के मैट्रिक्स कहा जाता है, अव्यू कहा जाता है, इसलिए इसका नाम रखे हैं मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू। इन अव्यू में जीरो से लेकर के चार तक सबसे पहले तो हॉरिजेंटल कतार पर नंबर लिखे रहेंगे, और इन द सेम वे वर्टिकल कतार पर भी जीरो से चार तक के नंबर लिखे हुए रहेंगे। अर्थात मैट्रिक्स वन में जीरो से चार तक के संख्या और ठीक चार लेटर PWNIS, पांच हो, जीरो को जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच, यही PWNIS को उलट पुलट करके इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो पहली मैट्रिक्स जो मेरा कंटेन करता है वो है आपका जीरो से लेकर के चार तक की संख्या, जो कि हॉरिजेंटल कतार पर भी है और वर्टिकल कतार पर भी है। सेकेंड मैट, और उसके लिए कितने लीटर के यूज किए गए हैं, पाँच लीटर के लिए, पाँच लीटर का यूज किया गया है। इन द सेम वे मैट्रिक्स दो तैयार किया गया है, जिसमें पाँच से लेकर के नौ तक की संख्या लिखी गई है, वही हॉरिजेंटल कतार में पाँच से नौ और वर्टिकल कतार में भी पाँच से नौ, और इसके लिए पाँच अलग अलग लेटर का प्रयोग किया गया है, और वो लेटर है ए ई आर ओ एच, और यही ए ई आर ओ एच को अलग अलग पूरी तरह से जो है मैट्रिक्स में सजाया गया है, संवारा गया है। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इसमें ध्यान रखनी है, वो बात यही है कि ये पूरी मैट्रिक्स चलती कैसी है, और मैट्रिक्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैट्रिक्स कैसे काम करता है, मैट्रिक्स के प्रश्न बनते कैसे हैं, इन्हीं चीज़ों की विस्तृत चर्चाएं आज की क्लास में हम सब करेंगे। देखिए बिल्कुल कोडिंग और डिकोडिंग की तरह ही इसमें काम आपको करना है। यहाँ पर आपको एक एक लेटर का कोड आपको निकालने के लिए आना चाहिए। एक एक लेटर कोड क्या होगा, डबल कोड क्या होगा, एन का कोड क्या होगा, आई का एस का कोड क्या होगा, एक एक लेटर का पहले कोड निकालिए, उसके बाद हम सब क्वेश्चन आंसर राउंड पर चलेंगे। मजे की बात छात्रगण कि मैट्रिक्स जैसे चैप्टरों से परीक्षाओं में चार से पांच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छा से करके रखने की आवश्यकता है। देखिए कहानी क्या कहता है, कहानी है सबसे पहले आप समझिए कि हमको पी का कोड निकालना है। कोई एक लेटर का कोड आप निकालने के लिए सीखिए, एकदम से आपको ट्रिक दे देते हैं, जो भी लेटर कुछ ना इतना इतना लंबा इसका क्वेश्चंस लिखा हुआ रहेगा, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए इतने लंबे क्वेश्चन से आपको गुजरना होगा। उस क्वेश्चंस पर आपको बिल्कुल जो उसका जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शंस पर आपको बिल्कुल नहीं गुजरना है, वो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है और बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नियम है सीधे डायरेक्ट आपको एकदम रूल्स पे हम सिखा देते हैं। कहानी क्या है, सिंपल ले लीजिए, दो प्रकार का मैट्रिक्स रहेगा, दो प्रकार का टेबल है, एक टेबल पर जीरो से लेकर चार तक का संख्या लिखा हुआ रहता है और दूसरे टेबल पर पाँच से लेकर के नौ तक की संख्या लिखी हुई होती है। पहले वाले में जब पाँच लेटर होते हैं, दूसरे वाले में भी पाँच लेटर होते हैं, प्रत्येक लेटर का कोड होता है, वो कोड कैसे निकाला जाता है यही चीज़ आपको सीखना है। देखिए सपोज हमको कोई भी एक हम लोग वर्ड उठाते हैं, सपोज कीजिए हम लोग पी का कोड निकाल रहे हैं, पी का कोड क्या क्या होगा, हम लोग ये ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं कि पी का कोड क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस मैट्रिक्स में कि प्रत्येक लेटर का
कोड है, एवरी लेटर हैज देयर ओन कोड, प्रत्येक लेटर का एक कोड है, ये कोड एक से अधिक हो सकता है, क्योंकि आप देख लीजिए पहला में पी है तो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो हर एक पी का कोड भी तो अलग अलग हो सकता है ना। देखिए इस पे के कितने संभावित कोड हो सकते हैं। कोड लेने के लिए सिंपली आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले आप इसको हॉरिजेंटल रो से कोड उठाएंगे और उसके बाद वर्टिकल रो से कोड उठाएंगे। पहले कोड उठाएगा इधर वाला, इधर वाला। तो कोड लेने के लिए हम सिंपल आपको एकदम लिख देते हैं, बना करके लिख लीजिए इसको, एकदम नोट बना करके बच्चा इसको राइट डाउन करेगा, नोट। और नोट क्या होगा, एकदम लैंग्वेज लिख लीजिए, मैट्रिक्स में अक्षरों का कोड यानी कि लेटरों का कोड, मैट्रिक्स में अक्षरों का कोड, मैट्रिक्स में अक्षरों का यानी कि लेटर्स का जो कोड होगा है ना, मैट्रिक्स में अक्षरों का कोड, अक्षरों का कोड, पहले 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 हॉरिजेंटल कतार से, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कतार, हॉरिजेंटल होते हैं ना, हॉरिजेंटल कतार से, तथा फिर वर्टिकल कतार से लेना है, वर्टिकल कतार से लेना है, ठीक है ना। ये एकदम सबसे पहले बच्चे याद रखेंगे कि कोड लिया कैसे जाता है, एकदम ये पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैट्रिक्स में अक्षरों का कोड पहले हॉरिजेंटल कतार से तथा फिर वर्टिकल कतार से लेना है, एकदम रट जाना है इसको। अब हम किसी का भी कोड निकालीजिए, पी का कोड निकालते हैं, तो पी का कोड क्या क्या हो सकता है। सपोज कीजिए इस पी का कोड निकाल रहे हैं, तो पहले हॉरिजेंटल से लेंगे, तो देखिए जीरो और वर्टिकल पे जीरो, जीरो और जीरो, पी लिखा हुआ है, यहां लिख देंगे जीरो, समझ में आ गया, जीरो जीरो, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो, तो पी का एक कोड हो गया जीरो जीरो। दोनों का नंबर लिख लीजिएगा, इधर वाला भी, दोनों नंबर लिख लीजिएगा, तो पी का एक कोड हो सकता है जीरो जीरो। पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब आते हैं और भी पी है कहीं पर, देखिए यहां पर भी पी है, ये वाला भी। अब इस P का कोड क्या हो जाएगा, देखिए यहां से P का, P किस हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये 1 पर है, तो ये 1 और यहां कितना है 2, तो इसका एक कोड और संभावित क्या होगा 12। बस समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। फिर और P कहीं पर भी, देखिए यहां भी P है, इस P के लिए कोड क्या होगा, तो पहले हॉरिजॉन्टल से 2 और ऊपर से वर्टिकल से 4, ये कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। फिर ये P के लिए कितना हो जाएगा, इस P के लिए देख लीजिए, ये P किस हॉरिजॉन्टल पे है 3 पे है, और ये P किस हॉरिजॉन्टल पे 1 पे है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 31। फिर इस पी की बात करेंगे, तो ये पी की और कहीं पर है, पी और कहीं पर भी नहीं है, है ना। फिर इस पी की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 43। तो सोचिए एक मैट्रिक्स में पी के लिए 1, 2, 3, 4, 5 कोड का प्रयोग किया गया है, और यही चीज आपको परीक्षा के क्वेश्चनों में ढूंढना होगा कि किस लेटर के लिए कौन सा कोड पैदा किया गया है, कौन सा कोड देखा गया। वो क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो आपको उसमें अच्छा सा ट्रिक दे देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चा यहाँ ये समझे कि भाई हमको कोड लेना कैसे है, कोड उठाया कैसे जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का। तो आप देखिएगा कि बहुत आसानी से आपने इस चैप्टर को लेने का प्रयास किया है छात्रगण, उम्मीद करते हैं कि इस कोड लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए उसी प्रकार ये मैट्रिक्स वन का आप लिए किसी भी लेटर, अब आपको समझ में आ गया कि एवरी लेटर का कोड हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी स्थिति होगा कि एक कोड इसमें, एक कोड इसमें से लेना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स को मिला करके कोड लिया जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनेगा तो एक क्वेश्चंस इन लेटरों को मिला करके वर्ड में बनेगा, कोई वर्ड दे देगा जो इन दोनों मैट्रिक्स के लेटरों से बना हुआ होगा, और उसके कोड आपको निकालने होंगे। और एक आध कोड ले लेते हैं, चलिए सेकेंड मैट्रिक्स से एक कोड ले लेते हैं। चलिए सपोज कीजिए आर का कोड हमको निकालना है, किसका कोड निकालना है, आर का। इस आर का कोड निकालने के लिए हम क्या क्या कोड लेंगे, देखिए सबसे पहले कौन आर किस लाइन पे खड़ा है, 5 पर है, और ऊपर वाला किस पे खड़ा है 7, तो आर का सबसे पहला कोड क्या हो गया 57। और आर है कहीं पे, देखिए यहाँ भी आर है, आर किस हॉरिजेंटल लाइन पे है 6 लाइन पर है, और किस वर्टिकल लाइन पे है 9 लाइन पे है, तो हो गया 69। फिर R कहाँ पर है, तो 7 और 6 पे है, तो हो गया 76। फिर R कहाँ पर है भाई मेरा, तो 8 और 8 88 पे है, तो 88 हो गया। फिर R मेरा क्या है 9 और 5, तो कितना पर हो गया 95। सो वी हैव द कोड ऑफ R, दैट इज 57 69 76 88 एंड 95। तो उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आपने इस पूरे प्रश्न पर कोड लेना बहुत ही अच्छी तरह से सीखा होगा। बस आपको केवल कोड लेने के लिए आना चाहिए, कोड लेने का मैंने शानदार नोट बनाया है,
कि मैट्रिक्स में अक्षरों का कोड पहले हॉरिजेंटल कतार से तथा फिर आपको वर्टिकल कतार से लेना है। बस एक छोटी सी पहलू, एक छोटा सा कंसेप्ट याद करके आप इस चैप्टर पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब सीधे सीधे आपको हम इसके क्वेश्चन आंसर राउंड पर लेकर के चलते हैं और सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, इस मैट्रिक्स पर मैंने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन का निर्माण करा है। परीक्षाओं में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है। पहले तो हमारे समय की बात करेंगे तो आप मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2002-03 की बात कर रहा हूँ। उस समय 5-5 क्वेश्चन मैट्रिक्स से आता था। हम सब इतने खुश हुआ करते थे, क्वेश्चन देखो 5 क्वेश्चन पॉकेट के अंदर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है पेंस का कोड बताइए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हिप्स का कोड बताइए, सौरव का कोड बताइए, वियर का कोड बताइए। अब बच्चा मेरा यहाँ पर क्या करेगा वो ध्यान लगाइए। आपको जो भी दिया गया है पेंस, आपको सीधे कोड देखिए, आपको तो परीक्षा में समय बचाना है, एग्जाम में समय बचाने के लिए आपको सिंपली उपाय करना है कि प्रत्येक कोड का आपको लास्ट से ढूंढिए, पहला लेटर मत पकड़िएगा, लास्ट से एस से आपको ढूंढना है कि एस का कोड क्या होगा। दोनों मैट्रिक्स पर आपका ध्यान देना रहना चाहिए कि भाई मेरा दोनों मैट्रिक्स में कहां से हम कोड निकाल लेंगे, है ना। अभी तो हमको टाइम लगेगा इसलिए क्योंकि आपको समझाना है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आप एकदम रेडी है छात्रगण, तो कोड कैसे निकलेगा देखिए। हम सबसे पहले लेंगे 21 को फटाक से, 21 तो देखिए 21 पर कौन खड़ा है देख लीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 21 पर मेरा खड़ा है N, यानी पहला ऑप्शन ऐसे ही है, 30 था, लास्ट से देखिएगा, लास्ट से हम कई बार बोल रहे हैं लास्ट से आपको देखना है, 30 है, तो पहला हो गया यहाँ 3 और यहाँ हो गया 30, 30 पर देखिए S खड़ा है, यानी ये ऑप्शन अभी तक जिंदा है, S के लिए 30 कोड दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 23 एकदम फटाफट देखिए 23 किसके लिए है, 2 और 3, 23 S, ये भी ऑप्शन बच गया। 42 मेरा कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा, 4 और 2 S, ये भी जिंदा है 42, यानी कि अभी तक ये चारों ऑप्शन लेकर के हम चलेंगे। पहले अंतिम लेटर से मिलाने से फायदा क्या होगा कि पूरा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक याद में आपको पूरा मिलाना पड़ सकता है, बाकी आपको नहीं मिलाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो हम देखते क्या है कि 30, 23, 42 और 42 ये सभी S के लिए वहां पर कोड अवस्थित हैं, उपस्थित हैं। अब हम आगे के लेटर का कोड निकालेंगे, वो होगा N का। सबसे पहले मिलाइए 21, तो 21 किस में है, वो वाला मैट्रिक्स में 21 N, ये भी है। 13 मिलाइए, 13 आपका W है, देख लीजिए 13 1 और 3 13 13 किसका है, W का है। 13 लेने के लिए यहां मत जाइएगा, 13 किससे बनेगा, 1 और 3 से बनेगा, तो 3 के नीचे कौन है, W है, तो 13 हो गया आपका W के लिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 13 जो है W के लिए है, लेकिन यहाँ N का दिखा रहा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से खत्म हो गया। अब आपको 3 का तलाश करना है, 21 तो हम लोग मिला लिए थे, ये 21 का भी N है, इस 21 का, इस 21 का भी N है, देख लीजिए तीनों मिल गया, 30 21 42 21 42 21। अब हम इसको मिलाएंगे 67 को निकाल लेंगे, 67 किसका, 67 A का है, देख लीजिए यहाँ पर E दिया हुआ, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पर किसका मिलाएंगे, 56 का, तो 5 और 6 E का है, ये अभी तक बच रहा है, और 57 मिला लीजिए तो 5 और 7 R का है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो बचा कौन आपका। हम सब जो है इसको जो है बना पाने में कामयाब हो जाते हैं, ये आपने देखा है छात्रगण कि हाँ सर बहुत ही इजी वे में ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और बना लेते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन से पकड़ते हैं, हमने देखा कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिला ऑप्शन खत्म हो गया, ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये नहीं मिला ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो 1 ऑप्शन इसका आंसर आ गया। बस बच्चा को कोड लेने के लिए अच्छा से आना चाहिए, कोड आप सही से लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स में अक्षरों का कोड कैसे लिया जाता है ये आपको नोट के रूप में पहले ही बोर्ड में लिखा हुआ है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते, एकदम हमेशा बच्चा याद रखेगा कि हमेशा हमको कोड लास्ट से लेना है। आप देखिएगा 2 मिलाते मिलाते आपका आंसर आ जाएगा। आइए फिर हिप्स के क्वेश्चन को देखते हैं, पहला कोड ले लेंगे, एकदम ऑप्शन पे जाना है, इस पर जाना ही नहीं है आपको, सीधे ऑप्शन पे, और वो भी ऑप्शन में सबसे लास्ट नंबर पे, 11 देखिए फटाक से बताइए, 11 S रेडी है, 42 S रेडी है, 42 रेडी है, 04 खाली देख लीजिए, 0 और 4 S ये भी रेडी है, यानी कि अभी तक S का चारों कोड हमको मिल गया। चले आइए 24 देख लीजिए, 24 P का है, 23 तो नहीं हो सकता, 23 S का है, यानी ऑप्शन खत्म हो गया मेरा।
तो ये कैसे छाटते हैं, आपको कैसे इलिमिनेट कर देना है पूरे ऑप्शंस को, हमने कैसे इसको क्रॉस कर दिया, ये आप समझ गए होंगे। अब आ जाएंगे हम कितना 41 पर, 41 देख लेंगे, 41 है मेरा आई का, यहाँ भी आई है, 21 देख लेंगे फटाक से, देखिए 21 एन का है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपके पास एक और एक दो ऑप्शन बचा हुआ है, यहाँ तक दोनों सब मिल गया था हम लोग को, एक लास्ट हमको यहाँ पर मिलाना पड़ गया है ना, मिलाना पड़ गया, कोई बात नहीं है। 85 देखेंगे, आइए 85, 8 और 5 H के लिए है, मिल गया। अब देखिए 67 का भी नहीं मिलेगा, 6 और 7 A के लिए है, कहानी खत्म हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया पहला। तब देखिएगा एक से दो, मैंने मैक्सिमम आपको कहा कि दो ऑप्शन मिलाते मिलाते आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि सर प्रश्न मेरा बनने लग गया। आइए 100 का निकाल करके देखते हैं, पहला है मेरा कौन सा 33 है, देखिए फटाक से 33 किसका खड़ा है, N का है, ऑप्शन खत्म हो गया, देख लीजिए ना 3 पर कौन है N है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था W, खत्म हो गया। 78 की बातें कर लीजिए, 78 में R है, देख लीजिए 7 और 8 पर कौन खड़ा है, सॉरी 7 और 8 पर कौन खड़ा है H, जबकि मेरा यहाँ पे W, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। देखिए लास्ट से मिलाने से कितना आपको फायदा हो रहा है, 97 पर मेरा कौन है H है, जबकि यहाँ पे W है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। और 4 4 44 4 4 42 4 पर W है, बस एक ऑप्शन मिला है, ऑप्शन आपका आ गया। देखें कहीं लास्ट से मिलाने से आपको बेनिफिट क्या मिल गया, तो हमेशा एकदम आपको मैट्रिक्स लेवल पर ये याद रखना है छात्र कि हमको लास्ट से मिलाना है। देखिए तीन ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, लास्ट ऑप्शन बना आपका आंसर आ गया। चलिए फिर करेंगे वियर के लिए, पहला ऑप्शन दिया है मेरा 87 मिला लीजिए पहले, 87 ई है, देख लीजिए यहाँ पर आर है, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। 69 पर आर है, रहने देंगे इसको। 95 पर भी आर है, रहने दीजिए इसको। 87 पर देख लेते हैं फटाक से, 87 पर ई है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। यानी बस आपको दो ऑप्शन बना हुआ है, ये दोनों ऑप्शन बचा हुआ है। सेकेंड लेटर लेते हैं 98 जल्दी से बताइए क्या है, 98 पे ए है, 98 पर ए है, 78 पर एच है, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर दो। तो छात्रगण आपने देखा कि किस तरह से मैट्रिक्स पूरा चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, और केवल थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर पे आपको मास्टर बना सकती है। यह आपने अभी तक सीखा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आप किसी भी कीमत पर परीक्षाओं में गलत नहीं करेंगे। और जल्दी कैसे बनाएंगे, मैं आपको कई बार कह रहा हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को जल्दी कैसे बनाएंगे, इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखेंगे मैट्रिक्स के इन्हीं पड़ावों के साथ। आइए आपको अब एक और अन्य प्रश्न मैट्रिक्स के हल करके दिखाते हैं, ताकि यह चैप्टर आपका पूरा का पूरा हैंडी हो जाए। आइए अगले प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं छात्रगण, अगले पड़ाव पर आपको लेकर के आए हैं, मैट्रिक्स के दूसरे क्वेश्चन की ओर आपको उन्मुख करते हुए नजर आ रहे हैं। दो प्रश्न फिर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये, अभ्यू 1 अभ्यू 2, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, फिर 0 से लेकर के 4 तक, लेकिन लेटर यहाँ पर अलग, DVCPM 1 में, और फिर 5 से लेकर के 9 तक, लेटर इसमें SAUTZ, इसी पर हम पूरे मैट्रिक्स की कहानी कहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है डस्ट का कोड बताइए, तो पहले क्वेश्चन पर जाएंगे डस्ट पे। मैंने पहले ही कहा आपको सीधे सीधे कहाँ से नंबर पकड़ना है, लास्ट से सीधे देखेंगे 59 इसमें मिलेगा, J का है, जबकि ये T का है, ऑप्शन खत्म हो गया। 89 देखेंगे, 89 T का है, T का मिल गया। 58 देखेंगे फटाफट एकदम, 58 किसका है, 58 टी का है, ये भी है, चलेगा। 65 देख लेंगे जल्दी से, 65 भी टी का है, अभी तक हम तीन ऑप्शन लेकर के चलेंगे। फिर आ जाएंगे दूसरे लेटर पर, 98 मेरा किसका हुआ था, एस का, 98 एस का है, वेरी गुड। 67 चलेंगे, 67 किसका है, एस का, चलेंगे। 55 किसका है, वो भी एस का है, चलेंगे। देखिए कभी कभी आपको मिलाना पड़ सकता है, मैंने आपको पहले ही कहा। अब मेरे पास कितना लेटर बचा हुआ है, 76 के पास चलेंगे जल्दी सा, 76 है यू का, 76 है यू का। फिर आ जाएंगे 57 U का है, U का चलेंगे। फिर आ जाएंगे 69 U का है, देखिए इसमें सब मिलाना पड़ गया, अब कोई एक मिला लीजिए, 13 मिला लेते हैं, चलिए 13 V का है, खत्म हो गया। 12 12 D का है, आंसर आ गया। अब 21 मत मिलाइए किसी कीमत पे, 21 नहीं होगा, 21 C का है। तो आपको देखिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको दो तीन मिलाना पड़ जाता है, नो प्रॉब्लम, होता है ऐसा, लेकिन हाँ एकदम हमेशा से बैक साइड से आपको बना करके लेकर के चलना है, ठीक है। जल्दी से कैंप का आंसर हम लोग निकालेंगे, बनाएंगे एकदम मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए और आप अपना बनाइए, उसके बाद फिर मेरा देखिए कैंप में। पी का देख लेते हैं फटाक से, 34 पर कौन है, पी है, 34 पर पी है, 40 देख लीजिए फटाक से, 40 पर सी है, ऑप्शन खत्म हो गया। 12 पर कौन है मेरा, 1 to 12 पर मेरा डी है, ऑप्शन खत्म हो गया। देखे अब खाली दो ऑप्शन को मिलाइए जल्दी जल्दी, 42
4242 पर कौन है? 4242 पर M है, M है, M मिल गया। 04 पर कौन है? 04 पर भी M है, दोनों मिल गया। आ जाइए 57, 57 पर कौन है? जल्दी सा U है 57 पर, देख लीजिए 57 पर U है और यहाँ पर है A, यानी 100% ऑप्शन नंबर दो। ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, देखिए कितना जल्दी इलिमिनेट कर दे रहे हैं। उसके बाद आ जाइए फिर यहाँ पर P का, यहाँ है 34, चलिए वहाँ 34 P खड़ा है, खड़ा है। 02 पर कौन खड़ा है? C खड़ा है, ऑप्शन खत्म हो गया। 34 पर P खड़ा है, 41 पर कौन खड़ा है? P खड़ा है। अभी तक एक दो तीन ऑप्शन लेके चलेंगे। आ जाइए 03 पर P है, 03 पर देख लीजिए P है, यहाँ पर 03 पर M है, ऑप्शन खत्म हो गया। 23 पर देख लीजिए कौन है? 23 पर M है, M है। 43 पर देख लीजिए जल्दी से कौन है? 43 पर D है, यहाँ पर M है, ऑप्शन खत्म। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया और वो है तीसरा, आपका आंसर निकल करके आ गया। है ना कितना मजेदार मैट्रिक्स, बस कोड लेने में आपको मास्टर होना चाहिए। चले आइए 58 की बात कर ले जल्दी सा, तो 5858 पे टी है, टी है। 66 की बात कर ले, 6 जे है, यहाँ पर टी है, ऑप्शन खत्म हो गया। 58 पे टी है, टी है। 88 पे देख लीजिए जल्दी सा, 88 पे यू है, ऑप्शन खत्म। यानी हमारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, चलिए फटाफट एकदम। 41 पे कौन है? फटाक से 41 पे है पी, यहाँ पर है एस, ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर तीन। तो छात्रगण आपने देखा कि 5 क्वेश्चन बनाने में आपको 5 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, बस आपको जरूरत यही है कि कोड एकदम हमेशा से एक हॉरिजेंटल कतार से और दूसरा कोड आपको वर्टिकल कतार से लेना है। दोनों कोड को समाहित करते हुए ऐसे प्रश्नों का आपको जवाब देना है। सिंपल सा आंसर कोड लेने के लिए आपको मैंने पहले ही कहा कि पहला कोड आपको हॉरिजेंटल से उठाना है, दूसरा वर्टिकल से उठाना है। जो भी क्वेश्चन होगा दोनों मैट्रिक्स को मिलाते हुए आपको आंसर्स पुटअप कर देना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त घोषित की जाती है और आपको मैट्रिक्स पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 4×8 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी मैट्रिक्स पर आप एक भी क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में गलत नहीं करेंगे। इस मंगल आशीर्वाद के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक खुदा हाफिज, सबक है, बाय बाय।